तो हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। हमने उसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की नीड क्यों होती है, हमें क्यों देखना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायमंड और ग्रेफाइट वाला केस। फिर हमने देखा था कि हम किस तरीके से इस ब्रांच को स्टडी करते हैं, और फिर हमने देखा था कि कौन सी रिएक्शंस होती है, आयनिक की कैसी रेट होती है और कोवैलेंट की कैसी होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से। चलिए शुरू करते हैं। चलो अब आ जाते हैं मेजर टॉपिक पे, विच इज रेट ऑफ रिएक्शन, विच इज अ मेजर मेजर टॉपिक, रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब अगर मैं बात करूं, मैंने उसको एक लेमैन टर्म्स में बोला था स्पीड। स्पीड कितना होता है, स्पीड क्या होता है, उसको ऊपर ही लिख देते हैं और एक साथ ही आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने इसको बोला था स्पीड से। स्पीड क्या था हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे ही बोले, जहां पे भी रेट आ जाता है किसी भी क्वांटिटी के, अगर उसने रेट लगा दिया है तो उसका मतलब होता है वो क्वांटिटी कितना चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम इंटरवल में, ठीक है। वो क्वांटिटी कितना चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम इंटरवल में, चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इन यूनिट टाइम इंटरवल इज सेड टू बी द रेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है रेट ऑफ अ रिएक्शन, कि गिवन टाइम इंटरवल में हमारी कितनी रिएक्शन हुई, हम उसी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। कि पर्टिकुलर हमारा T1 था, T1 से हम T2 गए, तो उस इंटरवल में हमारी कितनी रिएक्शन हुई उसी को हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन को हम मेजर कैसे करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के चेंजेस में हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको देखेंगे चेंजेस इन दी कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन की तो ऐसे बहुत सारी यूनिट होती हैं। हम जो जनरली लेके चलेंगे मोलारिटी से डील करेंगे। मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स से भी डील कर सकते थे अमाउंट से, लेकिन हम मोलारिटी से डील करते हैं, और ये रीजन आपको आने वाले क्लासेस में पता लग जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हो गई, हमने कहा कॉन्सेंट्रेशन हम मोलारिटी के टर्म्स में देखते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन को हम अगर डिस्क्राइब करेंगे, तो मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिखा रहा हूँ मैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को ये दिखाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट मोलारिटी ऑफ द सब्सटेंस और द ए, मोलारिटी ऑफ सब्सटेंस ए, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। अभी यहाँ पे एक और चीज है, अगर मान लो हमारे पास गैसियस सब्सटेंस हो जाए, गैसियस सब्सटेंस हो जाए तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे दिखाओगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं हम प्रेशर के टर्म्स में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं हम प्रेशर के टर्म्स में, क्योंकि गैसेस का तो प्रेशर होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, यूनिट। अगर प्रेशर की कोई भी यूनिट ले लो, बेसिकली हम ATM लेके चलते हैं, बेसिकली हम ATM लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो गया। तो बेसिकली हम रेट कैसे देखते हैं, हम रेट देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन के चेंजेस में, ठीक है। अब मान लो मैंने एक रिएक्शन ली, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, समझना। अब मैंने एक रिएक्शन ली, मैं अभी केवल स्पेसिफिक इस रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं, जनरलाइज मैं बाद में करूंगा। इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आर गिविंग प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है।
हमको पता होना चाहिए कि अगर रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, अगर रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तभी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है? क्योंकि अगर रिएक्टेंट यूज ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही नहीं। तो अगर टाइम इज इक्वल टू T1 पे देखें, मान लो कॉन्सेंट्रेशन थी, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्यों होगी? क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है, और धीमे धीमे जैसे जैसे वो यूज अप होता जाएगा वैसे वैसे वो प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे पहले तो बता दूँ रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है? ये याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर मैं बोलूं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ऐसे होता है, अगर मैं बोलूं यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमारे पास टाइम है, ठीक है? तो ऐसे होगा, एक ऐसा कर पाएगा, दैट्स नॉट लीनियर, इट्स नॉट लीनियर, इट्स नॉट लीनियर, इस तरीके का कर, ठीक है? मतलब टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के साथ रिकॉर्ड वो करें, ग्राफ प्लॉट करें, इट इज ऑल्सो नॉट लीनियर। ये शो कर रहा है कि एज टाइम गोज ऑन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी है, ठीक है? तो ये दो ग्राफ हो गए। ये क्या शो कर रहा है? फर्स्ट वाला शो करता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ये शो करता है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है? तो अगर मैं बेसिकली बात करूं, सपोज करो T इज इक्वल टू T1 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन R1 थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन P1 थी, T इज इक्वल टू T2 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन R2 हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन P2 हो जाएगी, ठीक है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन R2 हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन P2 हो जाएगी। तो अगर मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं ऑफ रिएक्टेंट, तो वो क्या आ जाएगा? डेल्टा R विच इज R2 माइनस R1 विच विल बी नेगेटिव, ठीक है? विच विल बी नेगेटिव। तो अगर हमें डिस्क्राइब करना हो रेट के टर्म्स में तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, रिएक्टेंट के साथ हम क्या लगाएंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि हमको पॉजिटिव बनाना है, हमको रेट को पॉजिटिव बनाना है। तो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, बेसिकली मैं इसको अभी जाके बताऊंगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है कि क्या है। लेकिन अगर हम कभी भी ऐसे लिखते हैं माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो इसको बोला जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, या फिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोला हमने? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करें, हम आर एस टू पी के लिए ही बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम P के टर्म्स में बात करें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वो कितना आ जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? दैट विल बी डेल्टा P बाय डेल्टा T विच विल बी पॉजिटिव, है ना? क्योंकि डेल्टा P पॉजिटिव है, P2 माइनस P1 पॉजिटिव है, ठीक है?
तो ये पॉजिटिव आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, माइनस डी आर बाई डी टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, डेल्टा पी बाय डी टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, अब मैं बोलूंगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमारे पास अगर एक मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, अगर एक मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो एक मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है भाई, है ना। तो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है ना। और इसी को हम बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसी को हम बोल देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। दोनों इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम कंसिडर करें एक केस जो कि हो जाएगा आर गिविंग टू टू बी, आर गिविंग टू टू बी। अब अगर एक मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो हमारे पास दो मोल प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो वी कैन नॉट राइट कि माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, बल्कि हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वन बाय टू ऑफ है ना। अगर हम पूरे रिएक्शन के रेट की बात करें तो जितना हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना हाफ ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम स्टोशियोमेट्री कंसिडर करेंगे। ये क्या है, प्रोडक्ट की स्टोशियोमेट्री। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो हम स्टोशियोमेट्री को कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर हम खाली बोले, अगर हम खाली बोले व्हाट इज रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, उसमें स्टोशियो, या फिर हम बोले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, उसमें नो स्टोशियोमेट्री, क्योंकि तुम ओवरऑल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हो, तो उसमें नो स्टोशियोमेट्री। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस नो स्टोशियोमेट्री। अगर रिएक्शन लिख रहे हो तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो स्टोशियोमेट्री आएगा, क्योंकि तुम पूरे रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो जितने रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतने ही रेट से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो हमें वही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, अब अगर हम एक जनरल केस लेते हैं, अब हम एक जनरल केस लेते हैं, जनरल केस क्या लेंगे, जनरल केस हो जाएगा हमारे पास ए ए प्लस बी बी गिविंग सी सी प्लस डी बी, जहां ये रिएक्टेंट है तो इनके लिए माइनस आएगा, जहां ये प्रोडक्ट है तो इनके लिए पॉजिटिव आएगा। हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय ए डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस वन बाय सी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस वन बाय डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए तो वो क्या आएगा, ओनली एंड ओनली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना आएगा, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, स्टोशियोमेट्री नहीं आएगी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी
डेल्टा डी बाय डेल्टा डी, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन देख लेंगे, खत्म करेंगे, पर एक लास्ट टॉपिक पे देखते हैं। जो हमने अभी डेल्टा करके लिखा ना, डेल्टा करके लिखा, तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, RAV। एवरेज क्यों बोला? क्योंकि कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल T1 और T2 के बीच का हमने रेट निकाल दिया है, ठीक है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे रिएक्टेंट के लिए, तो हमने मान लो पर्टिकुलर T1 पे R1 था, पर्टिकुलर T2 पे R2 था, तो हमने इस टाइम इंटरवल के लिए निकाल दिया R2 - R1 डिवाइडेड बाय T2 - T1, हमने यहाँ से ये निकाल दिया। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम किस में इंटरेस्टेड होते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से। किस से इंटरेस्टेड होते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से। कैसे होते हैं? जो कि क्या होता है, अगर हम रिएक्टेंट के नाम से बात करें तो माइनस ऑफ DR/dt, प्रोडक्ट के नाम से बात करें तो क्या होता है, DB/dP/dt। ये जैसे मान लो क्या है, कोई ग्राफ मैंने प्लॉट किया, तो मान लो हमें इस पॉइंट पे निकालना था, हमें इस पॉइंट पे निकालना था, तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट है कोई, हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। और स्लोप कैसे देते हैं? हम डेरिवेटिव से देते हैं। अगर कोई वाई का कर्व है और एक्स के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज DY/dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वैसे ही हम DR/dt लेंगे। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखें, मान लो हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के टर्म्स में इसको लिखना चाहे, बस ये लास्ट टॉपिक है आज का, तो क्या हो जाएगा, -1/A, इसको मैं डी, इसको मैं पी पी कर देता हूँ, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, -1/A dA/dt इज इक्वल टू -1/B dB/dt इज इक्वल टू 1/C dC/dt इज इक्वल टू 1/D 1/P ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम रेट लॉ लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, और हम रेट लॉ को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप पसंद आया होगा आपको ये, और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।